भाभी जी, सोनाली मैम आपको बुला रही है। अच्छा छोटू, एक काम करो, तुम इनकी शेव कर दो। ए, चल। मेरी शेव कर लो, खुद कर लूंगा मैं। थैंक्स फॉर योर हेल्प। राहुल, अरे इतना फ्रेश होके कहाँ जा रहे हो? मुझे लगा था कि तुम ना पक्का वो छोटू के हाथ से मेरा स्पॉन्ज बात कराओगे, इसलिए मैंने खुद ही नहा लिया। हाँ तो वही ठीक है तुम्हारे लिए, तुम्हें पता है ना तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम नहाने कैसे जा सकते हो? राहुल, तुम अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते, तुम चुपचाप जाके वहाँ बैठो। अरे मेरी तबीयत ठीक है, मैं कर लूंगा। तुम ढूंढ क्या रहे हो यहाँ पे? कल मॉम डैड की एनिवर्सरी है ना। क्या, कल मॉम डैड की एनिवर्सरी? तुम्हें नहीं मालूम? कैसे बोलूं? बाय द वे, मुझे तुम्हारी मॉम डैड की एनिवर्सरी पता है। मैं सोचा कि तुम मॉम के इतने क्लोज हो और ऐसे तुम वो फैमिली वैल्यूज वाले घर से आती हो, तो एटलीस्ट मॉम डैड की एनिवर्सरी के बारे में तो पता ही होगा तुम्हें। मैं तो सोच रहा था कि तुमने कोई बहुत बड़ा सरप्राइज प्लान किया होगा मॉम डैड के लिए, तो इसलिए इतनी बिजी थी। चलो कोई बात नहीं, हर इंसान के किस्मत में हर चीज तो आती नहीं है। लेकिन राहुल, मैं इस घर में नहीं आई हूँ, जब तक तुम मुझे ये सब नहीं बताओगे मुझे कैसे पता चलेगा? तुमने पूछा ही नहीं कभी। मैंने पूछा था ना मॉम डैड की एनिवर्सरी कब होती है तुम्हारे। चलो कोई बात, हर इंसान सेम भी तो नहीं हो। तुम कुछ भी बोलते हो ना राहुल, लेकिन अब हम क्या करेंगे? अरे बाबा, कुछ करने की जरूरत नहीं। एक्चुअली मॉम डैड की जो एनिवर्सरी है ना, वो डैड के लिए बहुत स्पेशल। डैड हर साल मॉम के लिए एक स्पेशल सरप्राइज रखते हैं, उसी वाली हमें सिर्फ अच्छे कपड़े पहन के वहां पहुंचना होता है। और इस बार क्या प्लान कर रहे हैं पापा? हाँ, इस बार डैड ने एक नया प्लान बनाया, क्योंकि इतना कुछ भूतिया चल रहा है ना, उन्होंने भूतिया थीम्ड पार्टी रखी है, पुरानी हवेली। इसीलिए मैं कपड़े ढूंढ रहा था और मिले नहीं मुझे। अब राहुल, वो स्मोक हो गया था ना घर में बहुत ज्यादा, तो कपड़ों में भी स्मेल आने लगी थी, इसीलिए मैंने सारे कपड़े ड्राई क्लीन में भिजवा दिए। अब मैं क्या, तुम्हारी साड़ी पहन लेती, ग्रीन वाली पहनू कि ब्लू वाली पहनू? कि ब्लू वाली ज्यादा अच्छी। राहुल मजाक मत करो, मैं जाके अभी लेकर आती। अरे तुम क्यों जा रही हो, सेवन को भेजो ना। नहीं नहीं, मैं जाके लेके आती। अरे मेरा ख्याल कौन रखे, मजाक करो, जाओ। मैं भी तुम्हें बिना बताए मम्मी जी और पापा के लिए कोई स्पेशल गिफ्ट लेके आऊंगी राहुल। राहुल मानवी, आज तक तो चुप के वार कर रहा था मैं, पर अब खेल आमने सामने होगा, अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर।